आज का जो कर्फ्यू था वो कर्फ्यू नहीं था, वो आप समझिए कि वो केयर फॉर यू था, यानी कि आपकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए निवेदन का एक झलक था, जो कि आप लोगों ने देखा किस तरह से आप लोगों ने संयम बना के पूरे दिन आप घर के अंदर रहे, और शाम होते ही आपने मेडिकल कर्मचारी और साथ ही जो पुलिस के कर्मचारी है और भी लोग हैं जो कोरोना के खिलाफ जंग में साथ है, जैसे कि आप लोग भी है, तो आप लोगों ने इन तमाम लोगों को धन्यवाद बोला, साथ ही अपने आप को भी धन्यवाद बोला, और साथ ही स्टंटन की एक अनोखी आवाज़, अनोखी ट्यून आप लोगों ने पूरे भारत में पूरे दुनिया में मैसेज भेजा, इसके लिए बिहार डेलीगेशन आपको धन्यवाद कहता है। साथ ही मैं अभी अपने घर के आसपास का नज़ारा दिखा रहा हूँ, मैं खुद सुबह से आज आइसोलेट था पूरे दिन और एक दो दिन और घर के अंदर रहूँगा ताकि तमाम लोग सुरक्षित रहें, मैं खुद को भी सुरक्षित रख पाऊँ। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से तमाम लोग जो है पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी, साथ ही जो मेडिकल के स्टाफ है, तमाम जो केमिस्ट शॉप से लेकर डॉक्टर नर्स सबका धन्यवाद बोल रहे हैं थाली बजा के और तालियों के साथ। देखिए ये गली का नज़ारा, आप किस तरह से टनटन की आवाज़ सुन पा रहे होंगे चारों तरफ, तो आप लोग इसी तरह से तमाम लोगों का धन्यवाद करते रहिए और इस कोरोना के खिलाफ जंग में एक साथ रहिए। और बिहार डेलीगेशन आप लोगों से अपील करता है कि आप लोग अपने हाथ को लगातार साबुन से या फिर मिट्टी वगैरह से, जो भी साबुन सरब मिट्टी, अगर सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है तो इन किसी एक चीज़ से लगातार हाथ को धोते रहे, और अगर आप किसी हाइजेनिक प्लेक्स पर जाते हैं तो वहां अपने लिए मास्क का भी इस्तेमाल करें। तो बिहार डेलीगेशन उम्मीद करता है कि आप लोग सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हारेगा कोरोना जीतेगा इंडिया, जय बिहार जय भारत, हम बिहारी सबसे भारी।